जिसे सब लोग बड़े इश्तियाक के साथ सुना करते हैं। मैं बहुत ही खुश हूं कि आज जमुआ के इस मंच पर वो मौजूद हैं। जनाब काविश रुदौलवी को आवाज दे रहा हूं कि वो मंच तक आए। सदर मोहतरम शोरा इकराम, नाज़िम मुशायरा और सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे सलाम किया है, उधार नहीं मांगा है। मैं फिर से आपकी मोहब्बतों को एक बार फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हजरात पीछे बैठे हैं, ये लाइट बहुत तेज है, ये जो लाइट वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश की अगर इसको बंद कर दे तो और अच्छा मुशायरा हो जाएगा। इसको देना चाहिए था पीछे। ऐसा है कि आप जो काम वहां खड़े होकर कर रहे थे, मैं उम्मीद कर रहा हूं बैठ करके वो नहीं करेंगे, खुदा के लिए। हाँ दोस्तों, लबो रुखसार की बातें बहुत हो चुकी, आइए कुछ तलख हकीकत की तरफ भी चलें। मैं शुक्रगुजार हूं अपने बहुत ही मोहतरम डॉक्टर MS हुसैन साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। दोस्तों, बिहार का नाम जब भी आता है जहन में तो बस एक ऐसा ही खाका सामने बन के तैयार होता है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी मुशायरे पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन जिस मोहब्बत से बिहार में मुशायरा सुना जाता है, ऐसा मुशायरा कहीं नहीं सुना जाता है। तो मैं चाहता हूं मैं एक बार अपने लिए आप जोरदार ताली बजाएं, पूरा मजमा उसके बाद में शुरू करूंगा। वाह। मैं कुछ सियासी बातें भी करूंगा, कुछ तलख हकीकत भी पेश करूंगा, कुछ गंगा जमनी की बातें भी करूंगा, और जिसके लिए मैं बदनाम हूं नौजवानों के बीच, मैं गीत भी इंशाल्लाह पेश करके जाऊंगा। बहुत अच्छे। तो बकौल डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के, अपने पास हर तरह का माल है, जब जैसा माल आपको चाहिए मुझे हुक्म कर दीजिएगा, मैं पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन लबो रुखसार से निकलकर मैं चार मिसरे पेश करना चाहता हूं। ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरे हैं जहां पर हम अपना दर्द बयान कर सकते हैं, अपनी विपता बयान कर सकते हैं, वरना कोई अखबार कोई मीडिया हमारे दर्द को बयान नहीं करता। मैं आपकी आवाज बन के बोलना चाहता हूं, चार मिसरे पढ़ना चाहता हूं, अगर हकीकत हो तो यहां से वहां पीछे तक मेरी तायद कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा, इजाजत है। जुल्म की जो है उम्र दराज, जब तक आप शायर की नब्ज नहीं पकड़ेंगे मजा नहीं आएगा। मैं बिहार में पहले भी पढ़ चुका हूं और मुझे पता है कि बिहार वाले किस तरह से कितनी मोहब्बत से सुनते हैं कि जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, नहीं होती, चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती, नहीं होती, जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, चील बहुत उड़ने से बाज नहीं होती, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। क्या कह गए आप, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। दोबारा पढ़ूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा पढ़ दूं? तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दीजिए कि जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती। नाजिम साहब की जिम्मेदारी थी, उन्होंने मुझे आपके बीच पेश कर दिया, आप दोबारा के लिए हुक्म कर रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसा पहली बार आपने इस कद्दे को सुना तो उससे बेहतर आपको सुनना है, वादा कीजिए उससे बेहतर सुनेंगे आप। कि जुल्म की जो है उम्र दराज नहीं होती, चील बहुत उड़ने से बाज
नहीं होती उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बंद करो यार, डिस्टर्ब हो रहा मचा रहा। हाँ मेरे मोहतरम जफर इमाम हबीबी साहब तशरीफ फरमा है, मैं इनकी दुआएं चाहता हूं और चार मिसरे पढ़ता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ताकि मैं चार मिसरे और पढ़ सकूं। के रब के भरोसे तन्हा कई हजारों से, अगर बात सच्ची हो तारीखी हो तब मुझे दुआएं दीजिएगा। के रब के भरोसे तन्हा कई हजारों से हंसते हंसते गुजर गए अंगारों से, रब के भरोसे तन्हा कई हजारों से हंसते हंसते गुजर गए अंगारों से, हम तो उनके चाहने वाले हैं कि जो बाजी मार गए टूटी तलवारों से, बाजी मार गए टूटी तलवारों से। जिस हिसाब से मजमा है उस हिसाब से आपकी तालियां आई नहीं, ये किस्तों में दाद दिया करते हैं, अभी वहां तक आवाज ठीक से नहीं जा रही है। मेरे नाज़रीन मोहतरम बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ मुशायरे को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनकी दुआएं चाहता हूं माहौल और ये चार मिसरे मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, आपका हुक्म है, मुझे मुझे दुआएं दीजिएगा। कि रब के भरोसे तन्हा कई हजारों से हंसते हंसते गुजर गए अंगारों से, हंसते हंसते गुजर गए अंगारों से, हम तो उनके चाहने वाले हैं कि जो बाजी मार गए टूटी तलवारों से, बाजी मार गए टूटी तलवारों से, बाजी मार गए टूटी तलवारों से। ये वो मुल्क है, वो चमन है, वो हिंदुस्तान है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक होकर रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर शरपसंद लोग हैं जो हमें आपस में लड़ना चाहते हैं, वो अपनी सियासत की रोटी सेकने के लिए हमें लड़ना चाहते हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर लगे कि आपके छोटे भाई ने कोई सच्ची बात कही है तो मुझे दुआ से नवाजिएगा। अगर बात सच्ची हो तो तालियां बजा दिया कीजिए। के पी के पियर गंगा का पानी भूल गए, कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए, पी के पियर गंगा का पानी भूल गए, कुर्सी मिली भूल गए, ऐसा दास का चश्मा पहनाया गया, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए, अशफाकुल्ला। आपका साथ चाहिए तब मैं पढ़ूंगा, आपके आपके हौसले से पढ़ूंगा, बड़ी जोरदार ताली बजाइए इस खूबसूरत मुशायरे के लिए, हबीबी साहब के लिए और डॉक्टर एम एस हुसैन साहब के लिए और कमेटी के तमाम ही अराकीन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, तब तब मैं ये दूसरे ये दोबारा मैं पढ़ता हूँ। पी के पियर गंगा का पानी भूल गए, कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए, कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए, ऐसा डांस का चश्मा पहनाया गया, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए,
اشفاق اللہ کی قربانی بھول گئے۔ مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں پچھلے برس جب مجھے ڈاکٹر ایمس حسین صاحب نے مجھے پچھلے برس حکم دیا تھا تو پچھلی برس کیوں نہیں آیا، یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ چار مصرے اور پیش کرتا ہوں دوستوں۔ کچھ یہودی عیسائی تنظیمیں ایسی ہیں جن کے نام مسلم تنظیموں سے ملتے ہیں، کچھ یہودی نام ایسے ہوتے ہیں جو مسلم ناموں سے ملتے ہیں، کرتے وہ کچھ ہیں، الزام مسلمانوں پر آتا ہی اس بات کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ان چار مصروں سے اگر سچے ہوں گے تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے بیٹوں کو دعائیں دعاؤں سے نوازے گا۔ پیش کرتا ہوں کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ بات سچی ہو تو کوئی خاموش نہ رہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ شرکت کیجئے گا۔ کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے، میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے، میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے۔ ننھے معصوموں کو گولی سے اڑانے والے، ارے کچھ بھی ہو کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو کے وہ بیٹھائیے۔ پھر سے پڑھوں؟ ہاں بالکل۔ بات دراصل یہ ہے کہ لائٹ کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، تو جب آپ کی تالیاں بجیں گی تب مجھے لگے گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کے لوگ۔ کہ ہوں گے شیطان وہ انسان نہیں ہو سکتے، میرے آقا کے غلامان نہیں ہو سکتے، ننھے معصوموں کو گولی سے اڑانے والے، ارے کچھ بھی ہو کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ داعش بھی تھوڑا جڑے، آپ سب کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں اور چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں بطور خاص۔ سماعت فرمائیں، نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں بطور خاص، اگر بات سچی ہوگی تو میری آواز سے آواز ملا دیجیے گا۔ عشق کو حسن کے ابسائے سے ڈر لگتا ہے۔ نوجوان دوستوں کی جانب سے میں بزرگوں کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عشق کو حسن کے ابسائے سے ڈر لگتا ہے، رومیو انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے، رومیو انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے، ایسا قانون بنایا ہے میرے حاکم نے، ہر شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے۔ آئے ہائے، موقع کی بات کہا گیا بھائی، واہ 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 واہ۔ پھر سے تو اتنی خاموشی کے ساتھ دوبارہ کیسے؟ صرف یہ آگے والے بول رہے، پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں، اگر پیچھے والے سننا چاہتے ہیں تو زوردار تالی بجائیے۔ کہ عشق کو حسن کے ابسائے سے ڈر لگتا ہے، رومیو انٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے، ایسا قانون بنایا ہے میرے حاکم نے، ہر شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت صاف۔ حالانکہ جتنی داد آپ نے دے دی ہے یہاں پر تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ اور چار میں سے پڑھ دوں، اجازت ہے؟ سنبھال لیں گے تو ایک بار زوردار تالی بجائیے۔ اچھا، ہوتا اکثر یہ ہے کہ داہنا ہاتھ مضبوط بتایا جاتا ہے، بایاں کمزور، لیکن یہاں پر الٹا ہے، یہاں پر داہنا کمزور ہے، بایاں مضبوط ہے۔ تو
इस बार मुझे देखना है कि कौन ज्यादा मजबूत है। चार मिसरे पढ़ता हूँ। नहीं आप पढ़ते जाइए, मसलियत अंदेश है, देखिएगा कैसे बचता है। चार मिसरे पढ़ता हूँ। तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, जहां से मैंने चार मिसरे कहे हैं वहां पहुंचिएगा, कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग, हाकिम वक्त परेशान नहीं है हम लोग, हाकिम वक्त परेशान नहीं है हम लोग, पेट पर बांध के पत्थर भी दिया करते हैं, गोश्त खाने मुसलमान नहीं है हम लोग। वाह 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 वाह, कहाँ ले गए भाई आप। वाह 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 वाह, हम लोग गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम लोग। दोस्तों हम उस नबी को मानने वाले हैं जो फरमाते हैं कि जब कोई काफिर की मैयत जा रही हो तो अदब से आप खड़े हो जाओ। वो सबक देने वाला नबी हमारा नबी है। चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। अगर लगे कि बात सच्ची है तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। कोई मुसलमान मंदिर से बैर नहीं रखता, मूर्ति से बैर नहीं रखता, उसकी ताजीम उसकी इज्जत करता है, लेकिन उसके आगे सर नहीं झुकाता, क्योंकि सर वो सिर्फ खुदा के आगे झुकाता है। चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। हाल ही में आपने देखा होगा कि औरत नकाब पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ रही है, हनुमान चालीसा से हमें कोई बैर नहीं है। औरत नकाब ओढ़कर मंदिर में पूजा कर रही है, हमें पूजा से कोई बैर नहीं है। लेकिन बैर ये है कि जब आप नकाब से नफरत करते हैं तो नकाब पहना कर मंदिर के सामने क्यों बिठाते हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर बात सच्ची हो तो इन चार मिसरों से मुझे ये एहसास हो जाएगा कि मुझे और कितनी देर आपकी खिदमत करनी है। इजाजत है, मंदिर से नहीं बैर मगर ऐसा करें हम। तमाम हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों की जानिब से उन चंद मुट्ठी पर चंद शरपसंदों की नजर करता हूँ, ये आवाज उनके कानों तक जानी चाहिए कि मंदिर से नहीं बैर मगर ऐसा करें हम। अब इतना भी कमजोर तो ईमान नहीं है, मंदिर से नहीं बैर मगर ऐसा करें हम। अब इतना भी कमजोर तो ईमान नहीं है, क्या कह दो के बुरके से जलन है नहीं तुमको, क्या कह दो के बुरके से जलन है नहीं तुमको, या कह दो के बुरके में मुसलमान नहीं है, या कहे तो के बुरके में मुसलमान नहीं है। और ये चार मिसरे पढ़ता हूँ। वो शख्स जो नातिया कव्वाली पढ़ के नमाज के ऊपर कव्वाली पढ़ के कहां से कहां पहुंच गया, आज उसे अजान की आवाज से खलल पड़ती है, उसकी नींद टूट जाती है। अगर मैं बात सच्ची कह रहा हूं तो आप मेरा साथ दीजिएगा। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास, समाप्त फरमाएं। औकात क्या है तेरी पता है जहान को, औकात क्या है तेरी पता है जहान को, कव्वाली गा के पहुंचा था तू आसमान को, कव्वाली गा के पहुंचा था तू आसमान को, नींद उड़ा रखी है हनी सिंह ने तेरी, इल्जाम दे रहा है तू पे जासान को, इल्जाम दे जान को, इल्जाम दे रहा है तू बेजान को, नींदे उड़ा रखी है हनी सिंह ने तेरी, इल्जाम दे रहा है तू बेजान को, इल्जाम दे रहा है तू बेजान को।
और चार मिसरे और पढ़ता हूँ, और ये चार मिसरे पढ़कर देखना चाहता हूँ कि मुझे और आपकी खिदमत करनी है या अपनी जगह ले लेनी है। मैंने तो सोचा था कि नौजवान दोस्त बैठे तो मैं गीत भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये चार मिसरे पढ़कर मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी देर मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। अपने कद से बढ़े कभी मत उड़ा करो साहब, बात सच्ची हो तो कोई खामोश ना रहे, के अपने कद से बढ़े कभी मत उड़ा करो साहब, दायरे में रहे कहीं कुछ कहा करो साहब, दायरे में रहे कहीं कुछ कहा करो साहब, किस जबात कहते हो तुम तलाक की बातें, पहले अपनी बीवी के हक अदा करो। ऐसा है काविश साहब, अभी आपने गीत मुकम्मल नहीं किया है, और गीत मुकम्मल करने के लिए फिर से आप आ जाइए, सबों की आवाज है। गीत पढ़िए। नहीं, एक बात मैं बता दूं, मैं गया नहीं था, अपनी मार्केट वैल्यू देखने गया था, और बगैर गीत पढ़े काबिज बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि जो नौजवान दोस्त है वो बगैर गीत पढ़वाए, मैं गीत के हवाले से ही तो बदनाम हूँ मेरे भाई। मुझे हुक्म, ये चार मिसरे मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। अपने कद से बढ़े गए भी मत उड़ा करो साहब, दायरे में रहे कुछ कहा करो साहब, किस जबात कहते हो तुम तलाक की बातें, पहले अपनी बीबी के हक अदा करो साहब, पहले अपनी बीबी के हक अदा। और एक मतलब पढ़ता हूँ, धीरे धीरे मैं आपकी आकबत भी खराब कर दूंगा इंशाल्लाह। गीत तो मैं ऐसा पढ़ दूंगा कि हफ्तों नींद नहीं आएगी आपको। एक मतलब पढ़ता हूँ, इजाजत है? इजाजत है तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है। एक तारीखी मतलब पेश करता हूं और देखता हूं कि बिहार की सरजमीन पर कितनी मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। कि मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है, इस बात हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है, इस बात हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है। ये आपकी दाद मुझे बिल्कुल उसी तरह से लगती है जैसे चाइनीज के चेहरे पर दाढ़ी कहीं कहीं पर उगती है, उसी तरह से भरपूर भर कल्ले की दाढ़ी होनी चाहिए, ये चाइनीज की तरह दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से पेश करता हूँ और मुझे सुन के बताइएगा, मेरा मूड बना दीजिए तो मैं इंशाल्लाह कुछ पढ़ के जाऊंगा। कि मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है,
इस बात हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है, इस बात हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है।